mental health. Because as far as physical health is important, mental health is also that much important. ये उस समय mental की कोई बात नहीं करता था. ये आज तक आ गया है कि he is mentally not well or he is. हमारे time में ऐसा नहीं था. अभी डिप्रेशन वर्ड तो अभी सुना है, मैंने तो अपने टाइम में नहीं सुना था. उसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ. डिप्रेशन किसको होता है? जो अकेला होता है. तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑफिस चेंज इसलिए हुए हैं कि एक दूसरे को देख सको. डिप्रेशन उनको होता है जिसके घर 5 कमरे हैं और एक ही बेटा है. हमारे पास तो 3 कमरे थे, हम 7 भाई बहन थे. डिप्रेशन कहाँ आएगा? डिप्रेशन कभी नहीं आएगा जब आप एक दूसरे से बात करोगे. जब आपके पास बहुत फ्री टाइम होगा ना, 24 घंटे मोबाइल पे खेलते रहोगे. आपका भाई है छोटा, अगर उसको 10 करोड़ मिल रहे होते आप ये क्वेश्चन पूछते मुझे? हमें किसी को पैसा ज्यादा मिलता है तो हमें खुशी होनी चाहिए. हाँ, उससे ज्यादा है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिकेट बोर्ड की. इन बच्चों का ध्यान रखो कि ये बहक ना जाए. अगर आपके बच्चे भी हैं उनको ज्यादा पॉकेट मनी दे दो, कहीं वो खराब ना हो जाए. पैसा मिलना कोई बुरी बात नहीं है, कि उसका मिसयूज ना किया जाए उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. पैसा ज्यादा नहीं मिल रहा प्लेयरों को, मैं सच कह रहा हूं. आपको गलत फहमी, अगर आप मीडिया से हैं, अगर 50,000 करोड़ के टीवी राइट बिकते हैं उसके बाद 1,000 करोड़ रुपया प्लेयरों में जाता है तो क्या लेवल क्या हुआ? एक तरफ 50,000 करोड़ के टीवी राइट बिकता है और दूसरी तरफ 1,000 करोड़ भी नहीं जाता प्लेयरों में. तो प्लेयरों को पैसे ज्यादा नहीं मिल रहे. हाँ, हमें लगता है क्योंकि इंडिविजुअल को बता देते हैं उसको 20 करोड़ मिले, यार उसको तो 50 मिलने चाहिए. कितने लोगों को हमें हैप्पीनेस देता है, खुशी देता है कि शाम को बैठ के देखते हैं, पर हम उसकी चर्चा नहीं करते. देखो, एक बॉल फेंकने को इसको 10 लाख मिलते हैं, पर कितनी मेहनत की होगी यहां तक पहुंचने के लिए. और कॉर्पोरेट वर्ल्ड बेवकूफ नहीं है, वो किसी को फ्री का पैसा नहीं देते. अजमुद्दीन के फैन रहे हैं आप? जो आपका क्रिकेट और गोल्फ ये दोनों का जो जील है और आपका जो आज का मंत्र आपने हमसे शेयर किया है कि टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स. So for us doctors, how would you like to share and inspire us to keep learning new things, not only related to our field but the other things also? इस पे छोटा सा एक किस्सा बता देता हूँ. When I was entering the cricket team, they said, Kapil, if you want to be successful, keep your eyes and ears open while sleeping also. And I couldn't understand. हमारी इंग्लिश भी थोड़ी सी ऐसी थी, तो मैंने कहा कैसे कोई हो सकता है आंखें और कान खोल के सो सकता है? आंखें तो बंद हो ही जाएंगी. तो उसने बोला, मीनिंग समझो. अवेयरनेस व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्ले फॉर द कंट्री और यू वांट टू लीड वन डे. सो दूसरे जो काम कर रहे हैं, अगर आप देखो कि ये सही कर रहा है या नहीं, उसके ऊपर आप गौर करो. अगर कोई कैप्टन अच्छी बात कर रहा है तो सोचो, अगर मैं कभी कैप्टन बना तो ये करूंगा. और अगर आपका कैप्टन अच्छी कोई काम नहीं कर रहा है तो सोचो उस समय कि अगर मैं कैप्टन बना तो ये काम नहीं करूंगा. सो दैट्स कॉल्ड लर्निंग. दैट्स व्हाट आई लर्न व्हेन आई एंटर द इंडियन क्रिकेट टीम. टू मी लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देयर इज नोबडी इज परफेक्ट. Still, there is a margin of learning for everybody. हम और भी सीख सकते हैं. कोई बोले कि he is a genius,
like Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Sunil, they can still learn more. Nobody is genius in this world. जिसको जरूरत ही नहीं है सीखने की. उस वक्त की जो एक्सपीरियंस है आपका, तुम तो उस वक्त मैनुअल ऑपरेशंस होते होंगे, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका और आपको रिकॉर्ड करने में कितने दिन लग गए थे उसके बाद अगर ऑपरेशन हुआ है, और आज के दिन कितना दिन लगता है रिकॉर्ड होने में, ये फर्स्ट सवाल. एंड सेकेंड इज, आपके जमा जब आप खेल रहे थे तो आपकी टीम 8-10 साल से भी ज्यादा रिप्लेस नहीं होते थे, वही प्लेयर्स कंटिन्यू थे. आज एक भी प्लेयर अगर टीम से भाग जाते तो उसे वापस अंदर आने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता. सो उस प्लेयर पे जो प्रेशर रहता है, क्या वो सही है एज अ स्पोर्ट्समैन? आज से 30 साल पहले कितने डॉक्टर थे हिंदुस्तान में? हैंडफुल थे. हमारे पहले भी क्रिकेटर बहुत कम थे. आज हर जगह क्रिकेटर बैठा हुआ है. आज इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कि मानो यकीन ही नहीं होता. अगर मेरे से आप पूछो कि नाम बता दो, मैं भी नाम नहीं बता सकता, क्योंकि हर रोज एक नया अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नया प्लेयर आता है. जब से ये हॉस्पिटल खुले हैं नए डॉक्टर आते हैं, और आपने मेरे घुटनों की बात की है तो आई कैन टॉक टू देम, आई कैन राइट अ थीसिस आल्सो. आई हैड फर्स्ट ऑपरेशन इन 81. इट वॉज open surgery, cartilage they remove. Today they don't remove the cartilage. I'm not talking like a doctor, but I just happened to be directly, so I know that. Now they shape up the cartilage, don't remove the cartilage. In my time, when I did first time, they opened the knee and removed the cartilage, and they said, sometimes you don't need the cartilage. Was wrong. At that time, they said that cartilage is required, because when you don't have a cartilage, arthritis start happening. And that happened to my knee. Thank God I still played for so many years after removing the cartilage. And the cushion part of knee and thigh bone, both they work as a cushion. And after dependence on technology, these skilled doctors, especially young doctors or those in training, orthopedics and other departments where a lot of treatment is done through surgeries, and will there be a moment where in future, when the robot is not available for the day, the surgeons will have to cancel the surgery or postpone the surgeries? Is this over dependence leading to that situation? You know, technology आएगी नहीं होगी. Technology will go back to the simple thing. आज अगर आपका मोबाइल ले लिया जाए फिर आप वापस आ जाओगे बेसिक पे. बट अगर मोबाइल है तो फिर आप यूज करते हो ना इसको. One, and second one is, depends whether you want to answer the question, because the IPL season is on. So we are seeing, basically, a lot of young players are coming in the season, midway going through the season. So Virat Kohli, Dhoni, they continue to be there. But, you know, some people are fading away. So, you know, would you like to comment on that? Which one you want me to answer? The fitness one first. Because it's a health event. Oh, no. First question should I answer or second? Pehla wala de do. Yeah. God was kind. My parents had a good genes. They given to me and I lost. Hum jo marzi kahe, akhir mein thode bahut mujhe family 50% of their what we are here for. And 50% you work on that. It's not I never got injured. But I got injured off season when I used to practice 100 times more than during the season. And aajkal to sara saal hi season hai. I don't know ye kab rest karte hai, so I don't know. God was kind. Injuries hui, par aise time hui jab koi match nahi tha. And second question of yours is, aajkal ke player?
आईपीएल के ऊपर क्या क्या नहीं खेलते या खेलते हैं? तो एक दिन जाना, अगर वो नहीं जाएंगे तो नए प्लेयर कहां से आएंगे? अगर सारे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली और धोनी के जैसा होगा तो हमें नया ब्रांड नजर ही नहीं आएगा. सो एवरीबडी कांट बी द सेम काइंड ऑफ पर्सन और प्लेयर. Certain people come out and make an impact. They have a short career. Some people can last longer. And the people who last longer, we only respect them because they look after themselves. So the bottom line is look after yourself. And that helps the game also. One, it will bring back to the ground within no time. In our life, when we were young, it used to take a couple of months to come back to play a game. And you have to strengthen your thigh muscle and shin muscle, all those things. So I remember today, you know, the sciences reach at that level. You can make a player ready within 2 weeks, which is impossible for people like us to believe that. I'm taking the appointment to check my knee next. Whenever I come to Pune, I will definitely. Second. Sir, namaskar. Question kya tha? Sir, बहुत सारे लोग voting नहीं करते हैं. Election बहुत important रहता है, फिर भी voting. जो voting नहीं करता, उसको politics की बात नहीं करनी चाहिए. पहली बात. अगर आप वोट नहीं देते, तो आप politics का पी भी नहीं पता होना चाहिए. क्योंकि आप वोट देते नहीं हो और ज्ञान देते हो, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है. दूसरा, अब प्लेयरों को अगर पॉलिटिक्स में जाना है, गुड लक भाई, किसी को कोई रोक तो नहीं सकता. अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है. अगर पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स में आ सकते हैं तो स्पोर्ट्समैन पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, क्या बुरा है? तो बुरा नहीं है. हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए और अच्छी सोच लेके आए और बहुत अच्छी बात कही कि हम हिंदुस्तान के सब लोगों को वोट देना चाहिए. और उस दिन अगर कोई छुट्टी पे जाता है तो उसको क्रिटिसाइज होना चाहिए. सर, अगर आपको मौका मिला तो आप जाओगे क्या? आपको मौका मिला कहीं पर टिकट मिली कोई जॉब? कहां पर छुट्टी पे? नहीं वोट कहां? एमपी. क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मैं कह देखिए, हर एक इंसान ये नहीं है कि वो फेमस है तो पॉलिटिक्स पे चले जाए. उसके लिए थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए. और कोई जरूरी नहीं है कि हर फेमस आदमी का थॉट प्रोसेस. आपको त्यागना होता है अपनी लाइफ को, फिर जाके पॉलिटिक्स पे जाना पड़ता है. तो मुझे लगता है मुझे भगवान ने बड़ी अच्छी लाइफ दी है. आई एम हैप्पी एंड कंटेंट. जिस दिन जरूरत होगी पहुंच जाएंगे, वरना यहाँ आपसे मिल लेते हैं, कुछ आपसे पॉलिटिक्स सीख लेते हैं, वही काफी है. तो जैसे खाली 5 लाख रुपए, तो आपको लगता है कि ऐसे जो आयुष्मान जैसी योजना है उसका कवरेज बढ़ाना चाहिए? कपिल सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आयुष्मान करके एक योजना थी, वो गरीब लोगों में ऑपरेशन के लिए, तो उसका अभी कवरेज है 5 लाख का. ऐसी टेक्नोलॉजी में ऑपरेशन करना है तो आपको तो मालूम है कि कितना पैसा लगेगा. मेडिकल थोड़ा कम लगता है इसमें, सच बता रहा हूँ. एज टाइम गोज टेक्नोलॉजी विल कम आउट. आप ज्यादा पैसा नहीं खर्चेंगे, कम लगेगा. ये मेरा पर्सनल व्यू है. बिकॉज एक रोबोट इज डूइंग ऑल द थिंग. एज टाइम इफ इट्स सक्सेसफुल द थाउजेंड्स ऑफ मशीनरी विल कम आउट एंड हेल्प अस. So it's not it's going to charge you more. Yes, whatever the machinery cost, that eventually will hit on us in the end of the day. But I think technology is going to help you. I don't know about the money part.
मगर आपको ऐसा लगता है कि जो आयुष्मान कार्ड जैसे है उसका जो कवरेज बढ़ाना चाहिए? आई हैव टू स्टडी दैट सिस्टम बिकॉज आई जो मेरे को जिस चीज की नॉलेज नहीं है मैं बात नहीं करूंगा। अननेसेसरी मैं बोलूं हाँ बहुत कुछ पता है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज की।